माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि आप अपना उद्बोधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। लीग पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विशिष्ट अतिथि रंजन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री शिक्षा और शिक्षा की रजनी जी, संजय विशाल जी, कैलाश जी और मंच से नीचे हमारे विशिष्ट कुछ साथी बैठे हैं, श्रद्धे स्वगत देव जी, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और माननीय मुख्यमंत्री जी के उच्च शिक्षा सलाहकार डॉक्टर डीपी सिंह जी, हमारे विद्या भारती के राष्ट्रीय संस्था मंत्री के रविंद्र जी, प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार जी, जिनके कुशल नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में संपूर्ण देश के आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के निदेशकगण, पूरे देश भर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, महाविद्यालय के प्राचार्यगण, वरिष्ठ आचार्यगण, इस संस्था के समागम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सौभाग्य है कि यह आयोजन एक ऐसे व्यक्तित्व के साय में हो रहा है जिसके बारे में यदि कहा जाए कि ही इज नॉट ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज डिवाइन सोल आल्सो, हमारे मुख्यमंत्री जी ये तो सिर्फ हो चुका है, पूरे विश्व में एक ऐसे प्रशासक है जिनकी विदेशों तक में कल्पना की जाती है कि काश हमारे यहां पर कोई ऐसा योग जैसा होता। और दिव्य आत्मा तो है ही, जिनके मार्गदर्शन में आध्यात्म भी चलता है, प्रशासन भी चलता है। एक ये शिक्षा का समागम पर संवाद होना है। मुझे मित्रों, शिक्षा किस लिए? स्वामी विवेकानंद जी ने इसके बारे में लिखा है, कहा है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को ज्ञान विज्ञान से कर सकता है, संस्कार दे और स्वावलंबी बनाए। और आज की एनईटी भी इन्हीं तीन बिंदुओं के बीच में है, चलती है। इसके मूल में न्यूक्लियस है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन तीन न्यूक्लियस है, मूल बिंदुओं की परिधि में सभी नीति पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह नई शिक्षा नीति क्यों देनी पड़ी इस हिंदुस्तान? हमारी शिक्षा इससे पहले आध्यात्म से जुड़े, हम लोग इस शिक्षा में कहां तक ऊंचाइयां छुई हुई थी प्राचीन काल में, चाहे वो खगोल शास्त्र अंतरिक्ष से लेकर समुद्र शास्त्र तक हो, कृषि,
हर कोई क्षेत्र हो, चिकित्सा किसमें ऊंचाई नहीं थी इस देश की विधा की। चिकित्सा में देखते हैं तो जरा कॉलेज से बड़े ऋषि है जिन्होंने समाज को नई नई खोज करके शिक्षा को नए आयाम दिए, चिकित्सा शिक्षा को। ऐसे ही खगोल शास्त्र, आज वो खगोल शास्त्र हमारे ऋषि मुनि हमको दे गए कि गांव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति पंचांग देखकर आज से 100 साल के बाद का भी बता सकता है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह विद्या दी है हमारे पूर्वजों ने, एक विलक्षण विद्या जिसको एक जो नया युग आया जो 900 साल की गुलामी का, उसने इसको उपेक्षित किया। शिक्षा आधार से कर गई, शिक्षा संस्कार से कर गई, शिक्षा अर्थ के इर्द गिर्द घूमने लगी। बस यह है, इस कवि को हमारा नेतृत्व महसूस कर रहा था और नई शिक्षा नीति उन्होंने दी, उसमें और कैसे इजाफा हो, क्योंकि उसको लागू करने के क्रम शिक्षक और संस्थाएं है, उसको व्यापक रूप से समाज के बीच ले जाने के लिए शिक्षक और शिक्षा संस्थाएं है। ये शरीर में संवाद होगा या शरीर का, यह उन्हीं में जब विचार विमर्श होगा तो कुछ उसमें से अमृत निकलेगा। जब विद्वान बैठ के चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो समाज में अमृत निकलता है, जिसके लिए समाज में वितरण होता है और उससे ही नया समाज बने, नया राष्ट्र बने। यह इसका संवाद का एक उद्देश्य है। मैं कामना करता हूं कि इतने बड़े समागम में जो उद्देश्य की किया गया जा रहा है, वो उद्देश्य की पूर्ति करे, प्राप्त करे और इसकी सफलता की कामना करता हुआ अपनी वाणी को आप बताऊंगा।